जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट नोट मूवीज एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों रिसेंटली मेरा एक दोस्त जो है वो नई कार परचेज करने की सोच रहा था, तो इतना कंफ्यूज था ना कि यार कितना बजट मेरी नई कार के लिए सही रहेगा, कौन सी कार है जो मेरी सारी की सारी जो मेरी नीड्स हैं इस बजट में सेटिस्फाई कर दे। तो उसको देखते हुए मेरा एक आइडिया आया कि यार आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे वो इतना कंफ्यूज रहते हैं कि यार नई कार ली जाए, चलो ले ली जाए, लेकिन कौन सी ली जाए, कितने बजट तक ली जाए। तो आज ये जो वीडियो है सारी की सारी इसी बारे में है कि कौन सी कार ली जाए, कितने बजट तक ली जाए और कैसे अपने बजट को और अपनी कार बेस्ट प्रोडक्ट को अपना समझा जाए कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो इसी बारे में है और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट कार जो है चूज़ कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बजट की। दोस्तों बजट ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी है और ये एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ता तो बहुत जल्दी है लेकिन घटता बहुत ही कम है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो दोस्तों बजट जो है ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी नीड्स पे। अगर आपकी नीड्स ज़्यादा हैं अपनी कार्स को लेकर कि हाँ मेरी कार में ये फीचर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह फीचर्स होने चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपका जो बजट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि हाँ यार मेरी कार में कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होने चाहिए, जैसे पावर विंडोज़ हो गई, स्टूडियो हो गया और एसी और पावर स्टेयरिंग तो अब कॉमन हो ही रही है, चाहे वो बेस मॉडल हो सब में ही आ रहा है और एयरबैग वगैरह भी कॉमन हो रहा है। तो छोटे छोटे फीचर्स आपको लगता है ये जो है आपकी कार में होने चाहिए, तो आपका बजट जो है बिल्कुल स्टडी रहेगा या थोड़ा हो सकता है कम भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी फ़ीचर्स पे कि आप पहले एक फ़ीचर्स लिस्ट बना लीजिए अपनी कि आपको ये फ़ीचर्स आपकी कार में होने चाहिए कि ये मेरे स्टैंडर्ड फ़ीचर्स हैं, अगर मेरी कार में ये वाले फ़ीचर्स होने चाहिए और ये इन फीचर्स को देखते हुए ये मुझे अपने बजट के लिए अपने कार जो है परचेस करनी है। तो दोस्तों आप गए अब डीलरशिप में, आपने कार देखी कि आपका 10-15 लाख का जो भी बजट है आपने सेट किया और आपने देख लिया हाँ मेरी कार में ये फीचर्स होने चाहिए, आपने वाला वेरिएंट डिसाइड कर लिया। अब आपका मन कैसे बदल जाएगा कि सर आपने वेरिएंट डिसाइड कर लिया है कि सर आप ईएमआई पे गाड़ी लोगी, आप 1500 रुपये और डाल के आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि आप ये वाला वेरिएंट ले लीजिए, इसमें फ़ायदा क्या रहेगा, इसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों वहीं आपको बचना है, वहाँ पर आपको ऐसे बचना है अगर आपको लगता है जो फीचर्स हैं अगर आपकी कार अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है बेनिफिशियल है तो आप इसके लिए ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ़ीचर जो है ये मैं एक साल में एक आध बार यूज़ करूँगा या मेरे लिए ना के बराबर है, तो आप उसके लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब उसके लिए किस्त देंगे ना कि 1500 रुपया मेरी जेब फालतू जा रहे हैं और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये अगर फीचर मैं जब ही सोच लेता तो मेरे लिए जब फ़ायदा रहता, उसके बाद क्या रहेगा कि 1500 रुपये का अगर फ्यूल डलवा के अपनी गाड़ी में चलाता तो मेरे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता। अब दोस्तों सेकेंड मेन चीज़ आती है, वो है आपकी टेस्ट ड्राइव। तो टेस्ट ड्राइव हम सोचते हैं कि बहुत ही सिंपल है कि जाए गाड़ी चला के देखने, लेकिन दोस्तों ये आपका जो कार का जो प्रोसीजर कार सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है ना आपका, उसका जो है एक मेन प्रोसेस है या फिर एक समझ लीजिए एक जो है मेन रोल ये प्ले करता है। होता क्या है हमारे दिमाग में क्या फील है कि टेस्ट ड्राइव का मतलब ये है मुझे जाए गाड़ी में बैठना है, गाड़ी को चला के देखना है कि गाड़ी में इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, गाड़ी का एक्सीलरेशन कैसा है, गाड़ी का कितने आरपीएम पे उठ रही है वगैरह वगैरह हमें परफॉर्म करके दिखाना है। लेकिन दोस्तों हम मेन चीज़ जो है वो भूल जाते हैं। होता क्या है आप टेस्ट ड्राइव का मतलब है कि एक तरीके से आप गाड़ी को उनको ऑन कर रहे हो और आप जैसे एक रेगुलर गाड़ी अगर आप वाली गाड़ी आगे जाके परचेज करते हो तो रेगुलर गाड़ी ऑन करोगे तो वैसे आपको परफॉर्म करना है। इस चक्कर में हम जो है रियर सीट का कंफर्ट, सबसे मेन चीज़ जो रियर सीट का कंफर्ट रहता है वो भूल जाते हैं देखना, आप देखना भूल जाते हो कि अगर आप इस गाड़ी को आगे जाके परचेज करने वाले हो और जिस पोजीशन पे आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हो क्या वो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है। गाड़ी के डायनेमिक्स आप भूल जाते हो, गाड़ी के डायनेमिक्स देखना, हाई स्पीड तो देख लो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी गाड़ी की, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ मेरी जो रनिंग है सिटी में ज़्यादा है छोटी गलियों में ज़्यादा है तो वहाँ पर ये गाड़ी में आराम से निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा। उसके बाद आप ये देखना भूल जाते हो कि जो है सीटिंग कम्फर्ट की गाड़ी के जो कम्फर्ट है और जो फीचर्स है वो आराम से मैं रीच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप टेस्ट ड्राइव में भूल जाते हो। दोस्तों दूसरी जो मेन चीज़ रहती है उसमें क्या रहता है कि आप देखते हो कि यार वीकेंड है आज मैंने एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली, अब अगले वीकेंड में मैंने दूसरी की ले ली, अगले वीकेंड पर तीसरी की ले ली। तो दोस्तों मैं ये आपसे कहूँगा एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि अगर जब भी आप सेलेक्ट करिए, आपने एक बजट में 3-4 गाड़ी सेलेक्ट कर लिया, आपने 3 गाड़ी टॉप लिस्ट कर ली, तो उन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जो है आप एक ही दिन में लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो माइंड है उस वाली गाड़ी को चला के आ रहे हो तो आपको माइंड को पता है कि उस वाली गाड़ी में मुझे ये अच्छा लगा, दूसरी को चलाई तो आपको पता चल रहा है अच्छा ये वाली गाड़ी में ये तो अच्छा था ही, उससे ये वाली गाड़ी में ये ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद आपने तीसरी को चलाई अच्छा आपने कहा ये उसमें ये थोड़ा कम है ये इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें ये भी अच्छा है लेकिन इसमें ये कम है, तो आप अच्छी तरह उन गाड़ियों को एग्जामिन कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये वाली गाड़ी अच्छी, ये वाली गाड़ी मेरे लिए अच्छी, ये वाली गाड़ी मेरे लिए थोड़ी अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये और मेन चीज़ जो रहेगी आपका जो फाइनल डिसीजन है शायद आप एक ही दिन में फिर उसको आराम से बना लो।
अब दोस्त टेस्ट ड्राइव तो हो गई है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, जैसे आप पुश स्टार्ट बटन दबाते हो ना अपनी गाड़ी में, तो वैसे उस वाले बटन को भी जल्दी से दबा दें। दोस्तों अब जो तीसरी चीज़ है और जो मेन चीज़ है वो है नेगोशिएशन, मतलब आप कितना अपना जो प्राइस है उस कार का कितना कम करवा सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट डील ले सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो नया प्रोडक्ट होता है कंपनी उस पर बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करती है, चाहे आप उसे आज खरीदो या एक दो दिन बाद खरीदो। वहीं अगर जो पुराना प्रोडक्ट है थोड़ा, तो वहाँ पर जो है कंपनी आपको थोड़ा नेगोशिएट कर देती है, साथ ही साथ जो एडिशनल डिस्काउंट है वो भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए, अगर आपको नया प्रोडक्ट खरीदना है तो थोड़ा डिस्काउंट से आपको परहेज करना पड़ेगा। वहीं नेगोशिएशन की बात करी जाए तो दोस्तों वहाँ पर आपको बता दूँ कि आप जो हो बता दो, साफ सी बता दो कि हाँ भाई मैं लॉयल कस्टमर हूँ, मुझे जाके गाड़ी आपकी खरीदनी है, मैं बिल्कुल सीरियस मूड से आया हूँ। क्योंकि होता क्या है जो कॉम्पिटिटर रहते हैं इसमें कॉम्पीट करने के लिए दूसरे शोरूम में दूसरी डीलरशिप में अपने जो बंदे भेजते रहते हैं कि वाली कार वाला बंदा कितने या वाली डीलरशिप कितने में ऑफर कर रही है, तो वहाँ पर जो है डीलर ना तो आपको सही रेट बताएगा, अगर आपको उसको जरा से शक हो जाता है कि यार ये सिर्फ हमारा पागल बनाने आया है या ये गाड़ी खरीदने नहीं आया, तो ना तो डीलर आपको सही रेट बताएगा ना ही आपको बेस्ट डील लेगा। तो अगर आपको बेस्ट डील लेनी है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जाएं, लॉयल कस्टमर की तरह बिहेव करें और अच्छी तरह अपनी कार को सिलेक्ट करें। दोस्तों अब बात आती है फाइनल डिसीज़न की। दोस्तों फाइनल डिसीज़न आपको किसी भी उस दबाव में आके लेना कि भाई ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई या मेरे घर वालों को पसंद आ गई या ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है, उस मामले में लेना। दोस्तों फाइनल डिसीज़न आपको लेना है जो आपकी जेब पे भारी ना हो, साथ ही साथ जो आप जो गाड़ी है या उसके सर्विस सेंटर है वो आपकी जो है आपकी जो लोकेलिटी है, आपके जो रीचेबल एरिया है जहाँ तक आप रीच कर सकें वहाँ पर अवेलेबल हो। साथ ही साथ अगर आपको फाइनल डिसीजन आपको बताऊँ, फाइनल डिसीजन लेने से पहले अगर आपको लगता है अभी कोई गाड़ी आप जो है थोड़ा यूज टू हो गई है या उसका जो है गाड़ी काफ़ी बिक चुकी है वो, तो अगर आपको कोई कस्टमर जानने वाला है या आपको कहीं से लगता है कि हाँ इस कस्टमर से मैं इस गाड़ी का फीडबैक ले सकता हूँ, तो उससे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उससे फीडबैक जरूर लें, जिससे आप उस गाड़ी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा या तो देखो गाड़ी में अगर वो उसे क्या कुछ नहीं पूछ रहा कि गाड़ी कैसी चल रही है, कोई गाड़ी में अभी तक कमी आई नहीं आई, सर्विस सेंटर वालों कैसा बिहेवियर वगैरह है, साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि गाड़ी में अभी तक कितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आई है। अगर आप ये सारी इससे पूछ लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सब मेरे बजट में है, सब कुछ अच्छा है, इजी गोइंग है, तो आप उस गाड़ी को आराम से परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ या सर्विस सेंटर दूर है या थोड़ा सर्विस में जो है अभी आनाकानी है या जो सर्विस सेंटर वालों का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, तो आप अभी आगे जाओ दिक्कत आपको लगे कि हाँ यार मैंने गलती कर दी लेके, उससे आप पहले भी बच सकते हैं। तो ये जो फाइनल डिसीजन बनाने से पहले आप ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखें, एक तो गाड़ी का सर्विस सेंटर आसपास हो, सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर, और ये सब कैसे पता चला कोई जो गाड़ी पहले से अगर ऑन कर रहा हो उससे पूछ के। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन तो हो चुका है, तो जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दो यार। दोस्तों अब आपने जो है गाड़ी का बजट भी डिसाइड कर लिया, गाड़ी टेस्ट ड्राइव भी ले ली है और जो है नेगोशिएट भी कर लिया है, साथ ही साथ जो है फाइनल डिसीजन भी ले लिया है, गाड़ी बुक भी करवा दी है, अब वाला दिन आ गया है जिस दिन आपको डिलीवरी अपनी कार की लेनी है, डेट मीन्स डे ऑफ डिलीवरी। तो दोस्तों वहाँ पर आपको करना क्या है, जिस वक्त आपको जो टाइम दिया हो वहाँ पर आपको डीलरशिप पर पहुँचना है और वहाँ पर आपको अपनी कार की PDI करनी है, डेट मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। दोस्तों होता क्या है PDI जो है डिलीवरी जो आपकी कार की डिलीवरी है उससे पहले आपका इंस्पेक्शन होता है कि आप जो है एक तो पहले मैं कहूँगा कि थोड़े ज़्यादा बंदे लेके जाएं या फिर जो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कटे उससे पहले अपनी कार को जो है एक ऐसी जगह खड़ी कर लीजिए जहाँ पर पर्याप्त लाइट आ रही हो। तो वहाँ पर आपको अपनी कार को हर नज़र से देखना है कि कहीं आपकी गाड़ी में स्क्रैच ना आ रहे हो, साथ ही साथ आपकी गाड़ी ऐसा ना लग रहा हो कि रीपेंट हुई है, कि ये वाला दरवाज़ा अलग पेंट का हो रहा है, ये वाला दरवाज़ा अलग पेंट का हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ रहे हैं या ये दिक्कत आ रही है, तो आप जो है जिस डीलर से ले रहे हैं उस डीलर से ज़रूर कुछ अपना जो इसके अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं जिससे उसका समाधान कर सके। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देखना है कि जो आपकी ऑडोमीटर है वो 5500 किलोमीटर ज़्यादा ना चला हो, अगर वो आपको लगता है ज़्यादा चला हुआ है तो आप उसकी भी ज़रूर पूछें कि इतना किलोमीटर जो है मेरी गाड़ी कहाँ से चल गई। दोस्तों PDI की अगर बात करी जाए तो PDI कंपनी भी करके देती है जब आपकी गाड़ी प्लांट से निकल रही होती है, जब भी PDI होता है, जब डीलर अपने पास स्टॉक में रख रहा होता है जब भी PDI होती है, साथ ही साथ PDI जब भी की जाती है जब आपको डिलीवरी दी जाती है। लेकिन जहाँ शोरूम में भीड़ रहती है या त्योहारों का सीज़न होता है तो वहाँ पर ये जो स्टेप है वो स्किप कर देते हैं जिससे जो उनका टाइम है वो सेव हो सके। तो दोस्तों ये जो स्टेप वो तो स्किप कर रहे हैं लेकिन आप स्किप ना करें जिससे आप एक बेहतर प्रोडक्ट अपने घर ला सकें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन यहीं कहीं आ रहा होगा इसको ऐसे ही बेल आइकन में दिखाता हूँ ऐसा ही नीचे आ रहा होगा उसे जरूर रिंग कर देना जिससे जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है ना उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और साथ ही साथ एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है वो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।